आज हम लोग बनाने वाले हैं छोटी मोटी भूख के लिए या फिर चुटुर पुटुर खाने के लिए ये सिंपल सा चिवड़ा। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ मिक्सी के जार में हम ले रहे हैं 2 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, थोड़ा सा शक्कर और नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं मीडियम रख रही हूँ यहाँ पे। अब इसका पाउडर बना लेते हैं। तो ये हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए। अब इसे रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पे तेल गरम कर लेते हैं कढ़ाई में। ये मोटा पोहा है, इसे हमने 1 पाव के करीब लिया है। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फ्राई होने के बाद तेल अच्छे से निकाल लीजिएगा। और इसी तरह से सारे पोहे तल लेते हैं। ये सारे पोहे तल के हो गए हैं। अब इसमें हमने जो पाउडर बनाया था वो डाल देते हैं 2 चम्मच। और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डाल रहे हैं हम हल्दी ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। अब यहाँ पे मूंगफली को भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये फ्राई हो गया मूंगफली, इसका तेल निकाल देते हैं और डाल देते हैं पोहे के ऊपर। अब यहाँ पे ले रहे हैं काजू। अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं किशमिश। ये 1 कटोरी करीब किशमिश लिया है, इसे भी फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे ले रहे हैं 1 कटोरी करीब भुना चना दाल। ये अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे भी डाल देते हैं। अब इसमें डाल रहे हैं 3 बारीक कटी हरी मिर्च। अब लास्ट में जाएगा इसमें फ्रेश कड़ी पत्ता। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा पाउडर भी मिला लेते हैं। अरे रुको रुको, लास्ट में हम सेव कैसे भूल सकते हैं। ये डाल देते हैं 1 कटोरी बारीक सेव। और इसे भी मिला लेते हैं। तो ये हमारा तीखा चटपटा मजेदार सा चिवड़ा बनकर तैयार है और आप इसे कभी भी खा सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।